हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम लोग हैं सिसु वैली में, जहां पहुंचने के लिए हमने किया आइकॉनिक अटल टनल क्रॉस, जो कि 9.2 किलोमीटर्स की है। सो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो थी सोलांग वैली पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके ज़रूर एक बार चेक करें। इस वीडियो में हम चलने वाले हैं बिल्कुल ही एक अनरियल प्लेस, जिसे देख के आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी भी खूबसूरत जगह हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए थे मनाली से सिसु वैली के लिए वाया सोलांग वैली। सिसु वैली मनाली से 40 किलोमीटर दूर है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप लोग रास्ता भी बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और इतना सुंदर रोड। और कोशिश करें कि इस जगह आप 4 बजे से पहले पहले ही पहुँचे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा होने लगता है और वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितना टाइम से हो सकता है उतना टाइम से निकलिए आप सिसु वैली के लिए। और प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि रास्ते में आप उजाले में बर्फ के पहाड़ और खूबसूरत व्यूज एंजॉय कर पाएंगे। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि रोड्स भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। तो अब आने वाला था हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट, क्योंकि हम क्रॉस करने वाले थे अटल टनल, विच इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 किलोमीटर्स बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। और इस टनल ने मनाली और लेह लद्दाख का रास्ता 46 किलोमीटर तक कम किया है, और यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो हमारी 9.2 किलोमीटर्स की टनल हमने कर ली थी क्रॉस, और इस टनल को क्रॉस करते ही आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो, उसकी दूसरी साइड इतनी अनरियल थी। अटल टनल क्रॉस करते ही आपको दिखेंगे ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑल कवर्ड विद स्नो, और आप ये व्यू देखते ही रह जाओगे बिल्कुल। उसके बाद ये छोटा सा ब्रिज भी है जो हमने क्रॉस किया। फाइनली अब कर चुके हैं हम क्रॉस अटल टनल, 9 किलोमीटर की टनल और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बाद। आप इस वीडियो में आगे ये साइन बोर्ड देखिए, यहाँ से लेह लद्दाख 396 किलोमीटर दूर है, और इस टाइम हम लोग हैं लाहौल, और रोहतांग पास भी सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उस टाइम पे काफ़ी बर्फ़ होने की वजह से रोहतांग पास बंद था। उसके अलावा श्रीनगर 450 किलोमीटर। तो स्नोफॉल काफ़ी देर से हुआ है इस साल, आपको जैसे पता ही है। तो हम लोग दिसंबर में गए थे, तो ना मनाली में बर्फ़ थी ना सोलांग वैली में बर्फ़ थी। तो ये एक ऐसी जगह है मनाली में जहाँ पर आपको बर्फ़ 100% मिलेगी ही मिलेगी। कितनी सारी बर्फ है यहाँ पे, वेरी जितनी सुंदर ये जगह है उतने ही ज़्यादा यहाँ के चैलेंजेस भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइटली ना लेके चले इस प्लेस को, काफ़ी ज़्यादा आप हैवी विंटर वेयर्स पहन कर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। अगर आप अच्छे से कपड़ों की लेयरिंग नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा देर यहाँ पर रुक भी नहीं पाएंगे। और ये जो आप रिवर देख रहे हो, इस रिवर का नाम है वाघा रिवर। जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जब प्रॉपर मनाली में भी स्नोफॉल होता है, तो ये बिल्कुल रिवर भी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और कैफेज़ के ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो फोटो क्लिक करने के बाद अब हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे एक फूड ट्रक था छोटा सा, जहाँ पे ये मेन्यू लगाया हुआ था इन लोगों ने, और प्राइस भी वहाँ पे मेंशन था। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, और बहुत ही देर में हमें हमारा ऑर्डर मिला। तो हमें थोड़ा ज़्यादा देर हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था, इसलिए हमने फटाफट वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक कराई। यहाँ से आने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और ज़्यादा अंधेरे में निकलना काफ़ी डेंजरस हो सकता था, तो इसलिए हमें फटाफट यहाँ से जाना पड़ा। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी आप सभी लोगों से, कहीं भी अगर आप जाएं घूमने तो वहाँ के मोमेंट्स को ज़रूर कैप्चर करें, ऐसे वीडियोस बनाएं और फ़ोटोज़ क्लिक करें, क्योंकि मेमोरीज ही होती हैं जो आप कैप्चर कर सकते हो, और इन्हीं को देख के आपको वो चीज़ें रिकॉल होती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जैसे स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड और एटीवी बाइक राइड, ये सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और इतने ब्यूटीफुल और मेसमराइजिंग व्यू को देखते देखते टाइम कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला।
आपको बर्फ तो काफी जगह पे दिख जाएगी, लेकिन बर्फ के साथ ऐसे रिवर का व्यू, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बहुत कम प्लेसेस पे मिलेगा। व्यू कितना प्यारा, डॉगी है, उसने शूज पहनाए, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा शूज में चल भी नहीं पा रहे वो और इस जगह पर आप पहुंचते हैं तो प्लीज़ टाइम से पहुंचे और टाइम से इंजॉय करने के बाद यहां से निकल जाएं सेफली, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो काफ़ी दूर दूर ऑप्शंस हैं होम स्टे के और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है रेस्टोरेंट्स और कैफे के। जैसे अंधेरा होता जाता है टेम्परेचर भी गिरता जाता है, होता है ठंड भी बढ़ती है और ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो रोड्स होती हैं काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं। और हमें इस जगह पर काफ़ी देर हो गई थी, 6:30 हो गया था अराउंड। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक रेस्टोरेंट था और होम स्टे भी था इनका, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था क्योंकि वहाँ पे नियर बाय सिर्फ एक ही ऑप्शन था और यहीं पे हमें रेस्टोरेंट वालों ने बताया था कि आप टाइमली निकल जाओ, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा देर हो जाती है तो अटल टनल भी बंद हो जाती है। और सिसू जो विलेज है प्रॉपर जहाँ पे होम स्टे मिलते हैं, वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं होता है क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाती है और एक्सीडेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इनका खाना भी बहुत अच्छा था इन रेस्टोरेंट वालों का। फिर उसके बाद हमने इसी कैफ़े को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया और ये देखिए इसके आसपास भी कितनी ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है। थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे वापस मनाली के लिए और जैसे जैसे यहाँ पे रात होती है वैसे ही टेम्परेचर भी गिरता जाता है और उतनी ही ज़्यादा ठंड भी बढ़ती है। और इस टाइम पे आप बैक साइड में सेम सिसू वैली का व्यू देखिए। इस टाइम देखो बर्फ वाले पहाड़ कितने डरावने लग रहे हैं और ये देखिए उजाले में ये बर्फ के पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं रात को उतने ही ज़्यादा स्कैरी भी लगते हैं। और फिर अराउंड 7 के आसपास हम लोग वापस निकल गए थे और वापस आते टाइम हम लोगों ने अटल टनल के पास पिक्चर तो ज़रूर क्लिक कराई क्योंकि यहाँ पर पहुँचना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इतना ज़्यादा जाम वापस आते टाइम। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।